जी सर, सर बेसिकली आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम चाइना और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम यांगजे यूनिवर्सिटी है और मैं अभी 2021 जनवरी में ग्रेजुएट हुई हूँ और अभी मैं हाउस जॉब कर रही हूँ। तो अभी आप बेसिकली ड्यूरिंग ग्रेजुएट हुई हाउस है? जी, मैं 2021 जनवरी में ग्रेजुएट हुई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। फिर तो तो आपने जो, अभी से हाँ जी, तो हमारी हाउस जॉब चल रही थी। बेसिकली हाउस जॉब के दौरान जो है ना, वो मतलब प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट था और हमारे पास ड्यूटी से आके टाइम भी बहुत कम होता था, तो हमें जो है ना कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि हम कैसे तैयारी करें। हमारा मेजर फोकस ये था कि हम इस प्रिपरेशन के लिए सर्जरी, मेडिसिन, गाइनी एंड ओब्स ना और साथ पीड्स कर लें। तो उसके लिए हमने जो है ना वो सर्जरी CK2 से, डिम्स के नोट से और ना इस तरह से हम कर रहे थे, लेकिन हमें एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने हमें मेरे कुलीग है, उन्होंने मुझे बताया आपके लेक्चर्स के बारे में, तो मैंने वो क्लास ज्वाइन की। तो बेसिकली मैं यही कहूंगी कि जो मैं एग्जाम में पास हुई हूँ ना, वो सिर्फ आपके मॉक टेस्ट की जो मैंने क्लासेस ली है ना, उसकी वजह से पास हुई। बिकॉज उसके अलावा हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था और मैं ऐसा इतना कुछ पढ़ नहीं पा रही थी। तो मैंने सिर्फ ये किया है कि आपकी क्लासेस जो आप रोज देते थे ना, उसमें आप जो टॉपिक्स बताते थे ना कि मैंने फर्स्ट एड से ये टॉपिक पढ़ाया है और ये एमसीक्यू यहाँ से डिस्कस किया, मैं बेसिकली उनकी स्क्रीनशॉट लेती थी और उन टॉपिक्स को बाद में बैठ के रिवाइज करती थी और फर्स्ट एड से खोल के एक अच्छा, दफा उसको पढ़ लेती थी। तो मैंने बेसिकली इस तरह तैयारी की। और सर मैंने नहीं, मेरी सिस्टर है सफिया जाहिद, तो हम दोनों ये ने बेसिकली ऐसे ही तैयारी की है। और मतलब मैं सबको कहती हूँ कि मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट से तैयारी की है, तो कोई यकीन नहीं करता मेरी बात का, लेकिन दैट्स रियली ट्रू कि हमने सिर्फ ऐसे तैयारी की है। और मैं आपका बहुत बहुत जो है ना वो जजाक अल्लाह करती हूँ कि शायद अगर मैं मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करती, क्योंकि मतलब ये नहीं है कि मैंने 5 साल में वहां पढ़ा नहीं था, मैंने 5 साल में पढ़ा था उधर, लेकिन एक होता है ना कि पढ़ा होना एक अलग चीज होती है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है ना बेसिकली, वो बहुत डिपेंड करती है। और जिस तरह आपने एक एक एमसीक्यू करवा के उस टॉपिक को बार बार रिवाइज किया है ना, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमें क्लिक हो रहा था कि यार डायग्नोसिस क्या है इस चीज का, तो उससे जो है ना हमें बहुत हेल्प मिली है। तो मैं सबको कहूंगी जिन्होंने एग्जाम देना है, वो जरूर आपकी क्लासेस जो है ना वो अटेंड करें, उन्हें बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह जिस तरह हमने पास किया है दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जी, सब इंशाल्लाह कर अच्छा लेंगे। अच्छा डॉक्टर जो तोबा हैं, इनकी सिस्टर भी हैं इनके साथ, ये और दोनों सिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लिया, और दोनों ही, आप दोनों फार्म मेडिकल ग्रेजुएट है ना? जी सर, जी दोनों सर, दोनों एक ही ईयर में है और दोनों सेम, साथ ही हम दोनों इकट्ठे ग्रेजुएट हुए। और माशाल्लाह, तो ये बता रही हैं कि जो मॉक टेस्ट, असल में जो मॉक टेस्ट, ये नहीं कि मॉक टेस्ट को आप रट्टा लगा लें, मॉक टेस्ट के जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक वाइज आपको आना चाहिए। अगर कोई बंदा पर्सन ये कह रहा है ना कि मैं मॉक टेस्ट को रट्टा लगा लूंगा, तो कुछ, बल्कि मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज, वो जी सर, जिस तरह के हमने जब मॉक टेस्ट किए थे तो हमने सिर्फ वो ऑप्शन नहीं की थी, वो जी सर, कंप्लीट टॉपिक उसको किया हुआ था। जी सर। सर सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं एक बात और बताना चाहूंगी। जैसे आप मतलब जो एमसीक्यू करवाते थे ना, उसमें अगर आपने चार ऑप्शंस उसके हैं ना, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो मैं चार ऑप्शंस पेज पे साइड लिख लेती थी कि आज सर ने ये टॉपिक्स पढ़ाए हैं और सर ने बताया कि यहाँ से पढ़ाए हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करके पढ़ लेती थी। मतलब इसके अलावा मैंने कोई और जो है ना रैंडम चीजें नहीं पढ़ी, यहाँ से वहां से कुछ नहीं पढ़ा। और एक बात और, जो आपने लास्ट में जब हमारी जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड दिसंबर की जो की बनाई थी ना एंड पे, जो सम अप करके आपने सारा बनाया था, उसने भी बहुत हेल्प किया पेपर जी, वो की में। बहुत हेल्पफुल रही थी, उसने क्योंकि जी सर, उसने बहुत हेल्प किया हमारी। तो सर मैं आपको बहुत जजाक अल्लाह कहना चाहती हूँ कि आपकी वजह से हमारा जो है वो टेस्ट पास हो गया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी में हर खुशी दे, दुनिया और आखिरत में कामयाब आमीन करे। अल्लाह आमीन, आमीन जजाक अल्लाह खैर, आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर जजाक अल्लाह तूबा खैर। और डॉक्टर सफी, आप जो
Thank you.